हाय गाइस, आई एम पुष्कर कौशिक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई हम खड़े हैं ऑटो एक्सपो पे, और इधर हमने फिलहाल तो अपनी कार पार्क कर दी है वीआईपी एंट्री लेकर। उसके बाद में अभी चलते हैं अंदर और आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि भाई आखिर आज यहाँ पे है क्या क्या, क्योंकि मैंने भी दो चार दिनों से बहुत सुन रहा हूँ कि ऑटो एक्सपो में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट कार्स आई हैं, और 2022 में लग नहीं पाया था कोविड की वजह से, लेकिन इस बार कंटिन्यू है सब। और आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, पूरा एक तरह से टूर करवाता हूँ कि अंदर आखिर है क्या क्या, कौन कौन सी कार्स आई हैं। बाकी बात करूँ मैं टिकट की, तो टिकट बुक माई शो से आप बुक कर सकते हो, हमने भी उसी से बुक करी है, बाकी अभी रिसिप्ट निकलवा लेंगे। और हमारे साथ में आए हैं हमारे ब्रदर, बिग ब्रदर से हेलो। बाकी पीछे पापा हैं और चाचा हैं। चलते अभी अंदर और आपको दिखाता हूँ पूरा कैसा कुछ है इधर। भाई टिकट का बहुत लफड़ा है, अभी उधर वाले गेट से आए, वो बोला गेट नंबर 2 से ले लो, अभी 400 मीटर चल कर आए, अभी इधर जाके मिला है काउंटर। फिलहाल टिकट लेते हैं और फिर अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। फाइनली भाई टिकट आ चुकी हाथ में, अब अंदर एंट्री करते हैं गेट नंबर 2 से। और देख सकते हो आप ऑटो एक्सपो गेट नंबर, जब 2 से घुसते हो आप तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। बाकी भीड़ अच्छी खासी है आज, और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है अगर आप अपनी व्हीकल को अंदर नहीं ला रहे तो, आपको बहुत चलना पड़ता है इधर। ये देखो पास से जब आप आ जाते हो ना तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है। बाकी अंदर चलते हैं अभी, ये तो हमें पता नहीं है कि भाई कहाँ पर किया का लग रहा है, कहाँ पर हुंडई का लग रहा है। अंदर चलते हैं जब भी पता पड़ेगा, ऐसा कुछ अभी स्पेसिफाइड नहीं है, ना ही अभी कोई इंस्ट्रक्शन है। अभी हॉल नंबर 3 में आ चुके हैं, यहाँ पर शुरू में घुसते ही बियॉन्ड मोबिलिटी का, तो मैं भी इसमें जल्दबाजी में घुसा कि भाई बियॉन्ड मोबिलिटी हुंडई कहती है अपने व्हीकल्स को, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में हुंडई कुछ कॉन्सेप्ट भी उतार दे भारत में, तो उसका कुछ देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक कार सी तो खड़ी हुई है, और आई थिंक सो कॉन्सेप्ट ही है भाई, लुक्स तो जबरदस्त है। तो वो आरवीएम देखो भाई, हाँ यार लग तो कदर की रही है, और देख इसकी ये जो ड्राइविंग है ना वो है राइट साइड में, ये मतलब इंडिया के लिए बाहर से मंगाई होगी आई थिंक। भाई टायर साइज देख रहे हो आप कितने बड़े हैं, यहाँ से देख नहीं पा रहे, प्रोफाइल तो नहीं दिख पा रही, पर भाई रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पीछे स्पॉइलर वगैरह भी है, पीछे से जाके मैं आपको दिखाता हूँ। आयोनिक 6 इस नाम की गाड़ी है, मतलब गाड़ी का नाम है, और बेसिकली भाई स्पॉइलर वगैरह देखो तो काफ़ी ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक सी फील आती है, अगर आप इंटीरियर पे भी एक बार नज़र मारो तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा है। बाकी जितना अंदर दिख रहा है ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सयूवी 7 डालों से एक्सपायर्ड है, क्योंकि अंदर आप देखो ना तो वही लंबी सी एक डिस्प्ले लगा रखी है, आई थिंक 10 इंच की 2 होंगी। बाकी साइड में ORVM के लिए एक आपको वो दिया गया, क्योंकि बाहर तो शीशे वगैरह है नहीं, इधर सिर्फ कैमरा मिलता है आपको ORVM का, तो अंदर ही वो डिस्प्ले वगैरह करता है, तो सही है अगर हुंडई उतार दे। वैसे वो सक्सेस होनी नहीं है, लेकिन देखते जब उतरती है तो। बाकी अभी किया ने भी उतारी थी, उन लोग की तो फ्लॉप चली गई, इसका देखते हैं। बाकी सनरूफ वगैरह तो इसमें सब है, पैनारोमिक तो नहीं है पर हाँ अच्छी खासी बड़ी है। बाकी इधर आयोनिक 5 खड़ी हुई है, ये भी बहुत फ्यूचरिस्टिक सी है। हुंडई से वैसे मेरे को यही उम्मीद थी कि कुछ तो उतारेंगे, मतलब ऑटो एक्सपो में फ्यूचरिस्टिक सा कुछ तो निकालते ही हैं। बाकी इधर भाई चेस वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, ये रोड चलता भी है कि वैसे ही लटका दिया है, बोस्टन डायनामिक्स भाई लग तो कदी जा रहा। आगे कैमरे देख रहे हो उसकी आंखों में, चार चार लगा रखे हैं।
हाथ पे क्या DRL लगा रखी है? सेंसर है। अच्छा सेंसर है। बाकी हुंडई से यही उम्मीद थी कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा निकालेगी। कांच वांच तोड़ दे क्या? जस्ट किडिंग। बाकी इधर भी भाई आयोनिक 3-5 है, 5 उधर भी थी आई थिंक सो, पता नहीं भाई क्या सीन है। लेकिन ये भी भाई बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सी है यार, मतलब आगे से देखो मुझे लग रहा है इसमें सोलर पैनल वगैरह लगे हुए हैं आगे, और एक कैमरा सा भी है क्योंकि वो ऐसे ही कुछ डिजाइन सा उसमें लग रहा है। एक तो भाई इधर गुम हो जाते हैं, अभी मेरे साथ भैया आया था जाने कहाँ गुम हो गया, मैं ये गाड़ी के सूट लेने लग गया और उसे ढूंढो। ये सीन है यार क्योंकि एक तो भीड़ इतनी ज्यादा, ऊपर से भाई बड़ा है, इतना खो ही जाते हैं इसमें। दे ये मिल गया, कहाँ था? इधर कुछ तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बालकों को अंदर। आता है यहाँ पढ़ाने का क्या मतलब है? अच्छे वैसे ऐसी लगा रहे भाई साहब, पेन पोते जा रहे हैं, स्केच कलर पोते जा रहे हैं पेपर पे, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। होंडा ही अपनी गाड़ी को डिजाइन इनसे ही बनवा दिए क्या? तभी तो इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां निकल रही हैं। नेक्स्ट जन गाड़ियां जब निकलेंगी ना, जब नेक्स्ट जनरेशन उन्हें डिजाइन करेगी। मेटावर्स लगा हुआ है होंडा का। इधर देखो एक ड्रोन लगा रखा है 6 पंखों का। प्रैक्टिकल नहीं है भाई यहाँ पे चीजें। अब ऐसा सोच के आओ ना कि आपको कुछ नया मिलेगा, तो नया तो मिलेगा पर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा आपके लिए। और भाई ये जो इनकी आयोनिक 5 वगैरह ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं, ये भी भाई गाड़ी ज़्यादा सक्सेस नहीं होनी, फ्लॉप ही जानी, क्योंकि एक तो इसकी प्राइसिंग इन लोगों ने भाई 44 लाख रखी है, इसमें इतने कोई खरीदने नहीं वाला इसे इंडिया में, वो भी इतनी छोटी सी 5-सीटर गाड़ी खरीदेगा हैचबैक टाइप की, तो फ्लॉप ही जानी है ये भी। पीछे वाली एग्जिट से हम लोग बाहर निकल गए, अंदर चलते हैं दूसरे वाले वेयर हाउस में चलते हैं। अरे एक काम करते हैं ना, ये तो रहा दूसरा वाला वेयर हाउस, इसी में यहीं घुस जाते हैं। पीछे से घुस जाते। बाकी भाई स्टॉल वगैरह भी है, आपको कुछ खाने पीने के लिए लेना वो भी ले सकते हो, लेकिन बहुत महंगे रेट में। यार इधर बड़े लफड़े हैं, बताओ उससे एग रोल की गई भाई? पहली बात तो इतना ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स महंगा है, हाथरस में भाई 40-45 का मिल जाता है नॉर्मली एग रोल, यहाँ पर दे रहा 150 का। दूसरी चीज पैसे यहाँ पे ले नहीं रहा, 100 मीटर में भगा रहा है, फूड कार्ड ले गया। बाकी भाई सबसे ज्यादा ना एक्साइटमेंट मेरे को हुंडई मोबिलिटी में जाने की थी, लेकिन इधर भी कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, मतलब वही कॉन्सेप्ट सी कार इन्होंने लगा रखे हैं जो कि लॉन्च भी होगी तो बिकनी नहीं है, और लॉन्च भी पहली बात तो अगर हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, और प्राइस रेंज में तो वैसे भी नहीं होनी, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऐसी गाड़ी लगा रखी है ना ये भाई 30 लाख से तो कम की कोई आनी ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। और 30 लाख में भाई भारत में कोई नहीं लेने वाला, अगर 5-सीटर किसी को लेनी होगी तो 30 लाख में भाई कोई नहीं लेता, जीप कंपास ही ले लेता आदमी, कोई 4x4 तो है एटलीस्ट, ऊपर से ये लोग तो इलेक्ट्रिक बना रहे तो वो तो वैसे भी नहीं बिकनी, तो बस यही है। ऐसा भाई कुछ कार्ड देते हैं ये लोग बना के कि तुम्हें भाई जो भी खाना पीना हो खा लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम भाई कुछ भी खा लो इस कार्ड को दिखा के, वो लोग मतलब जितना तुमने बताया ना उन्हें कि हमें 4 जैसे सपोज एग रोल लेने तो एक एग रोल 150 का है तो 600 रुपये हो गए, वो 600 रुपये इसमें डाल कर दे देगा और वो अपना स्वैप करके काट के आपको दे देगा, तो आप इसे इसमें सिर्फ 600 रुपये, तो आप इसके अलावा फिर इसे यूज़ नहीं कर सकते। भाई भाई एग रोल तो खा लिया है, पेट थोड़ा बहुत सद गया है, मतलब भूख सी लग रही थी बहुत तेज, अब दोबारा से चलते शूट पे। और इस वाले हॉल में तो अभी हुआ है, इसमें हुंडई का था बियॉन्ड मोबिलिटी, अब उस वाले में चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या कुछ मिलता है, लेकिन इस बार हम पीछे से एंट्री करने वाले हैं, आगे से नहीं कर रहे। We are far closer to the hall number 5.
रहे हो। तो भाइयों इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि भाइयों व्लॉग ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। अब 11 मिनट 26 सेकंड का हो चुका है और इसे और ज़्यादा नहीं खींचेंगे। बाकी सेकंड पार्ट इसका ज़रूर से आएगा और सेकंड पार्ट में मैं आपको टूर करवाने वाला हूँ टाटा के ऑटो एक्सपो 2023 का। तो उसे भाई बिल्कुल भी मिस करना मत भूलना, क्योंकि टाटा अपने बहुत नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने वाला है और उसी का ही मैं आपको पूरा एक वॉक अराउंड दिखाऊंगा। तो उसको बिल्कुल भी मिस करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके ज़रूर बताना। और इस वीडियो के ठीक 6 घंटे बाद वो व्लॉग अपलोड हो जाएगा टाटा वाला, तो उसे ज़रूर से देखना। बाकी अच्छा लगा हो व्लॉग तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये सीरीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ऑटो एक्सपो में बहुत मज़ेदार गाड़ियाँ आई हैं और उन सब का मैं आपको बहुत ही बढ़िया वाला टूर करवाने वाला हूँ। तो आगे व्लॉग्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो यही थी भाइयों वीडियो, कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जाके ज़रूर बताना। वीडियो ले रहे हैं आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।